तो चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय में। मैं दीपक राय फिर से आप सभी छात्रों का अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका ही है अपना चैनल है, और जैसा कि टाइटल और वीडियो के थंबनेल को आपने देखा कि आज हम किस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी अफवाहें आप लोग को कई तरीके से किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो YouTube चैनल के माध्यम से या किसी तरीके से, आप लोग को अफवाहें मिलती रहती हैं और आप सभी छात्र बहुत परेशान होते हैं और हमसे कमेंट बॉक्स में आकर क्वेरी करते हैं कि सर क्या ऐसा हो रहा है, फलाने ने ये कहा फलाने ने ये कहा। तो मैं आपको बता दूं भैया कि ये जो समाज है ना, अफवाहें फैलाने वाले बहुत हैं। आपने देखा होगा जब से मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है, मुझे 3 साल या 4 साढ़े 3 साल ही हो रहा है, लेकिन मैं जब से आपके साथ हूँ बहुत सारी अफवाहें उड़ी, ये कैंसिल वो कैंसिल। मैंने हर समय आप लोगों का खंडन किया, उन न्यूज़ का खंडन किया और सारी सत्यता आपके सामने है। तो आज मैं सबकी पोल भी खोलूंगा, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई यूट्यूब चैनल आपको अफवाह देता है तो आप सारे यूट्यूबर को गलत मान लेते हैं और यूट्यूबर के नीचे आके गंदे गंदे कमेंट करते हैं। लेकिन हमारा ध्येय ये नहीं होता है कि आप लोग को, हम आज तक मेरे चैनल पर ऐसी कोई अफवाह या ऐसी कोई चीज़ आप लोग को नहीं परोसी गई है कि बस मैं व्यूज़ के लिए कुछ थोड़े से पैसे के लिए मुझे यूट्यूब पर पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा ध्येय नहीं है। मैं छात्र जीवन में रहा हूँ, थोड़ी सी न्यूज़ अगर हम पढ़ाई करते हैं और एक गलत न्यूज़ आती है कि यार ऐसा हो जाएगा तो हमारे मन में क्या बीतती है, ये उनको फीलिंग नहीं समझ में आती। उनका मेन मोटिव है ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ लाना और ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब से अर्निंग कर लेना। ठीक है, तो ऐसे चमन बहारों से सावधान रहिए। सबको मैं बताऊँगा, क्योंकि हम लोग भी पूरे चैनल को वॉच करते हैं, यूट्यूब पर हैं तो कौन क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें पता रहती हैं, और आप लोग के कमेंट्स और मेल भी आते हैं, व्हाट्सअप भी आते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो वीडियो की भर्ती रद्द की है 2018 वाली, पूरी चर्चा करेंगे। एक चैनल ने बता दिया चमन बहार ने कि वीडियो के सिलेबस में बड़ा परिवर्तन। देखिए न्यूज निकलने से पहले मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई सभी लोग जो जिन्होंने अप्लाई किया था पिछली भर्ती में सब रीअपियर होंगे, ठीक है, पेट से नहीं होगा। और इसके जहां तक एग्जाम है तो अगस्त में, जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्जाम कराया जाएगा। 5 तारीख को मीटिंग है UPSSC आयोग की, सारी चीजें आप लोग के सामने है, मैं फेस टू फेस आपके सामने खड़ा हूँ और सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और आप लोग जितने भी छात्र ऐसे हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, यार देखो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है आप लोग को ज्ञान देना, जो छात्र पढ़ेगा मोस्ट वेलकम है, जिनको गाली दे के जाना यार जाओ यार मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप जब समय बीतेगा ना, समय बीतने के साथ साथ आपको रियलाइज होगा कि यार अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज मेरी ये कंडीशन ना होती। ठीक है, तो आप जितना भी क्रिटिसाइज करें ऐसे बच्चे जो वीडियो के नीचे गंदे कमेंट करते हैं, देखिए वो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो आपके फ्यूचर में आप अगर गंभीरता अभी नहीं लाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और एज ए टीचर, टीचर कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी उसका छात्र, उसका भविष्य खराब हो। ठीक है, और टीचर हमेशा अपने छात्रों के अच्छे के लिए, भले के लिए ही यहाँ पर आप लोग के लिए, मैं जैसे मैं आप लोग कंटेंट लाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी अनअकैडमी पर फिल्कुल फ्री की क्लास है, लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्व होते हैं, फिलहाल ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में, अराजक तत्व भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप लोग को सावधान भी रहना है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए UPSSC की तरफ से जो वीडियो भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, और उन छात्रों के प्रति मेरी सहानुभूति भी है जो फेयर तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ था, कहते ना कि कुछ छात्रों की वजह से ये पूरी भर्ती रद्द की गई, लेकिन एक और बढ़िया मौका है आप सभी छात्रों के लिए पढ़ने के लिए। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन पहले तो ये है कि सिलेबस में बदलाव, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया, मुझे रोल नंबर नहीं पता, मुझे एडमिट कार्ड सर मेरा खो गया है, कैसे पता करें, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वीडियो का या कैसे रोल नंबर आप लोग पता कर सकते हो। देखो आप लोग की ये वेबसाइट पर ही सारी सूचनाएं अवेलेबल है, ठीक है, वेबसाइट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कैंडिडेट हेल्प, ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कैंडिडेट हेल्प, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका कैंडिडेट हेल्प, तो आप इस कैंडिडेट हेल्प पर जाएंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, आ रहा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करिए। तो भाई आपने अब तक जितने भी UPSSC के आवेदन ऑनलाइन किए हैं, आप अपनी डिटेल डालेंगे, डिटेल में आपको क्या फिल करना है यहां पर देख लीजिए, कैंडिडेट फुल नेम, आप अपना नाम एंटर करेंगे जो आप डॉक्यूमेंट में है, जिस नाम से, जिस तरीके से, जो स्पेलिंग आपने फिलअप की थी फिल करिएगा, अपना DO भी फिल करिएगा, अपने फादर्स
और अगर कोई फीमेल है और हस्बैंड का नाम उन्होंने डाला है तो हस्बैंड का नाम डालेंगे और इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये कैप्चा कोड है, इसको एंटर करके आप सर्च कर लोगे, सारी डिटेल आपकी आ जाएगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमेंट के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को बताता हूँ कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहली समस्या खत्म। दूसरी समस्या सिलेबस की बात कर लें, जो चमन बहार लोग ऐसे कोई एक है, कोई टॉपर चैनल है, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, अगर वो वीडियो भी देख रहा होगा, बहुत फेक न्यूज फैलाता है, एक मैडम है भूचाल मचाती रहती है, आज मीटिंग फलाना मीटिंग ढिकाना मीटिंग। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप छात्रों की भावनाओं से मत खेलिए, ठीक है, आप सोशल मीडिया पर हैं, इसका सही इस्तेमाल करिए। अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, छात्र आपको दुआएं भी देंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, कोई गाली देकर नहीं जाएगा। और इन लोगों की वजह से जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं आप वो भी पिस जाते हैं गेहूं में घुन की तरह, और वो भी अपशब्दों का सामना करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही आपके, अब भाई आते हैं इस सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा क्या है, ये आपका 2018 का ये विज्ञापन मैंने आपके सामने ओपन किया है। इस विज्ञापन को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा पूरी चीजें। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, कुल कितने पद थे भाई, कुल आपके देखिए यहां पर क्या है, टोटल देखिए जिस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण ये इतना 1527, फिर विकास अधिकारी समाज कल्याण 362, तो कुल मिलाकर जो ये पद थे, अब इसमें हम बात करते हैं, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये विज्ञापन मैं आपको दे दूंगा। और देखिए इसमें जो प्रथम स्तर है, इस प्रकार से जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना है, आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, करीब 14.5 लाख का जो कैंडिडेट का आंकड़ा है पेपर में निकला था उस हिसाब से है, तो केवल आप लोग का क्या आएगा। और ये देखिए जो पद है 1527, ये है 362, यानी 1953 पद है, कुल कितने पद है 1953 पद है। ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आप लोग की वीडियो लंबी होगी, बस हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग को जो अफवाहें फैलाई जा रही है यार ऐसे लोगों सावधान रहो। और एक गाना भी है वायरल है, आप लोग गाना सुनते हैं भाई, हम भी सोशल लाइफ में रहते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, गाना सुनते हैं, ये गाना बहुत वायरल होता है, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कुछ भी आता है डाल देते हैं YouTube पर, उसका इफेक्ट नहीं जानते कि बच्चों पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग को बिल्कुल सबक सिखाइए, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, देखो भाई सिलेबस देखो यही रहेगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। 2017 का आरओ का परीक्षा यूपीपीएससी ने री एग्जाम कराया था, उसमें सब कुछ वही था, बस माइनस मार्किंग उन्होंने ऐड कर दिया था, उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। लेकिन इसमें जो शर्त है, जो भी इसका पीडीएफ है मैं दे दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। सिलेबस आपको क्या तैयार करना है, समान हिंदी, समान बुद्धि परीक्षण, समान जानकारी यानी कि जीएस, ठीक है, समान हिंदी और समान बुद्धि परीक्षण, 50 प्रश्न 50 प्रश्न 50 प्रश्न, 150 प्रश्न, कुल 300 अंकों का, ठीक है। दो प्रश्न आपके, दो अंकों के आपके एक प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी बस। और मैं कहता हूं कि जितना मैंने आप लोग, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मेरे चैनल पर हिंदी और सामान्य ज्ञान, पिछली वीडियो जो भर्ती मुझे याद है जब ये वीडियो भर्ती आई थी उसी समय मैंने अपने चैनल का स्टार्ट किया था, चैनल शुरू किया था, जितना मैंने पढ़ाया है उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप उसको पढ़ते हो, बाकी मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, अब परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का भी प्रावधान है, 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही का अंक काटा जाएगा। तो भैया 1/4 नहीं है, 4 पे 1 कटता है, लेकिन यहां पर 2 है, तो यही विज्ञापन की शर्त रहेगी, इस बार ध्यान रखिएगा, जो ओल्ड विज्ञापन है उसी शर्तों पर भर्ती होगी। तो ये तो सारी चीजें बातें हो गई, ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप जीएस के सेक्शन को तैयार करना चाहते हैं, कम समय, समय कम है आप लोग के पास, मात्र ₹49 की 5000 प्रश्नों की कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यूपीजीएस, कंप्यूटर, जनरल साइंस, सब कुछ का निचोड़ हमने तैयार किया है, और ₹49 उसका प्राइस है, प्लस ₹5 इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज आपका लग जाएगा, जिस जहां से आप डाउनलोड करोगे, केवल ₹55 आपको पेड करना है। इस ₹55 में कंप्लीट 5000 की पीडीएफ आप ले सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन जो हम बेस्ट समझते हैं, जिस तरीके से हम कंटेंट को हमने बनाया है, परीक्षाओं को हम फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ये सारा कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई, अब बात हो गई हमारी क्लासेस। देखिए मैं अपने YouTube पर भी क्लासेस लेता हूं आपको, और साथ साथ मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, आप सभी को पता है। अनअकैडमी की बात करते हैं तो यहां पर भी देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं आप लोगों की जो कि फ्री हैं। लोग सोचते हैं कि यहां पर पेड ही नहीं होगा, बिल्कुल फ्री है ये सारी क्लासेस, आप मेरी देख रहे हो, आरओ की चल रही है, यूपीएसआई की चल रही है, वीडियो भर्ती जो आपके री एग्जाम का भी मैं चलाने लगा हूं, और साथ ही साथ यूपीडब्ल्यूएससी पेड। तो करना आपको इतना है, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरी ये फ्री वाली क्लासेस सब कुछ देखिए। आप लोग जब पहली बार जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा इन्वाइट कोड,
अनलॉक कोड सक्सेस मंत्रा ये एंटर करके अनलॉक कर दीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप पेड कोर्सेज लेते हैं, कहीं और से सर्च कर रहे हैं पेड कोर्सेज बेस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी स्टेट के सभी एग्जाम, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, यूपीडब्ल्यूएससी पेड दे रहे हो, यूपीपीएससी आर ओ आर ओ दे रहे हो, यूपीपीसीएस 2021 दे रहे हैं, सबके लिए एक ही फीस और केवल 6300 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई जो बेस्ट होता है वो हम आपको बताते हैं, कोई गुमराह करने वाला यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर आप लोग को एक हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस पेड करनी पड़ती है। पीसीएस मेंस के लिए भी तैयारी आपको कराई जा रही है उसी फीस में, ऑप्शनल भी आपको हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, पॉलिटी पब्लिक एड और हिंदी साहित्य भी है। और ये सारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, प्रीलिम्स का है, यूपीएसआई फाउंडेशन है, यूपीएससी पेट है, सब कुछ की फीस केवल और केवल 7000 रुपये साल भर का है, जिसमें से आप 10% छूट भी पा जाएंगे हमारे इस रेफरल कोड से। तो ये तो बात हो गई अफवाहों से बचने की, और बिल्कुल सतर्क रहिए, आज का जमाना ऐसा है, किसी ने कहा कि कौआ कान ले गया, तो आप कौए की तरफ मत देखिए, अपनी कान को देखिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं दो चार लोगों की वजह से सब लोग उसी में पीसे जो अच्छे हैं। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, सभी लोग अच्छी क्लासेस लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बुरे है ना, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, वो ज़्यादा मिर्च मसाला व्यूज उन पर आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कंटेंट होते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होता है, आप लोग उन लोगों को ध्यान से देखते नहीं। मैं सभी छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को सपोर्ट करिए जो आपको अच्छा कंटेंट देते हैं, और इनको थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है जो पूरा माहौल गंदा करते हैं, ठीक है। तो इस सब के साथ ही, कोई आपको क्वेश्चन कोई क्वेरी हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया है, जब मैं फ्री रहूंगा आप, मैं रिप्लाई देता हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर होती है, आपके लिए कंटेंट बनाना होता है, तो जब मैं रात में फ्री रहता हूं तब मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूं। इंस्टेंट रिप्लाई के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, तुरंत मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा कि अगर आप हैं, लेकिन हाँ जब मैं फ्री रहूंगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो ये थी बड़ी अपडेट, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जाहिर सी बात है यार ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, और फिलहाल मैं कुछ किसी को कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, कौन आपको गुमराह कर रहा है, कौन आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, ये आप फैसला कर सकते हैं। तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और धमाकेदार यार हम फिर से तैयारी कराएंगे, परेशान मत होइए, और हमारे ऐसे छात्रों से सहानुभूति है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से मौका है, पढ़कर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम आप खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, चलिए थैंक यू वेरी मच।